सिविल अस्पताल सुजानपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने सेवा सप्ताह के चलते बाल आश्रम पहुंचकर जीवन बसर कर रहे छोटे बच्चों में फल भी वितरित किए। अपने संबोधन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने रक्तदान कर रहे लोगों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि रक्तदान महादान होता है। उन्होंने कहा कि खून किसी की जान बचाने के काम आता है, जो सबसे बड़ा पुण्य काम है, इसलिए रक्तदान को महादान जीवन दान भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि जब भी मौका मिले रक्तदान अवश्य करें। रक्तदान करने से किसी भी तरह की कोई बीमारी या कमजोरी शरीर में नहीं आती है, बल्कि शरीर स्वस्थ रहता है। उन्होंने कहा कि सेवा ही समर्पण के उद्देश्य से पूरे देश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो आगामी 7 अक्टूबर तक चलेगा। रोजाना सेवा ही समर्पण भाव के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसे अपने तरीके से मना रहे हैं। सुजानपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर को कामयाब बनाने के लिए जो भी अपना योगदान दे रहे हैं, सबसे पहले रक्तदान करने वाले वीर योद्धा, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर और आयोजनकर्ता सभी बधाई के पात्र हैं। इस मौके पर सिविल अस्पताल पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री का भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर, उपाध्यक्ष अंकुश गुप्ता, महामंत्री अनिल शर्मा, मीडिया प्रभारी विनोद ठाकुर व भाजपा के पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रक्तदान बहुत पुण्य का काम है। आपके रक्त के एक बूंद से भी किसी का भाग बच सकता है, किसी का भाई बच सकता है, किसी बच्चे की जान बच सकती है, किसी महिला को बच सकता है तो उसको स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। इसलिए इसको महान दान माना गया है। एक तरह से जीवन दान है, उनका दूसरे दिन रख लेना पड़ता है। सुजानपुर हॉस्पिटल में हमें पता लगा था पार्टी के कुछ रक्त की आवश्यकता है। कल ही मीटिंग में निर्णय लिया चाहे रक्तदान किया जाए। वैसे भी 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक हम प्रधानमंत्री मोदी जी का और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन मना रहे हैं। उससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम भी है। जो रक्तदान कर रहे हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत पुण्य का काम करते हैं। काम ही क्या है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, कुछ ही औरों के लिए। बहुत बड़ी कुर्बानी होती है, लेकिन इसमें कष्ट किसी को नहीं होता। देने वाले को कोई कष्ट नहीं है। जैसे वीर भी है, रक्तदान है, जिन्होंने 100-100 बार 200-200 बार रक्तदान किया है, कुछ ही समय के बाद इसकी कमी पूरी हो जाती है और फिर व्यक्ति रक्तदान देने के लिए हृष्ट पुष्ट हो जाता है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि डॉक्टर्स, नर्सेज, सारा स्टाफ और रक्तदान करने वालों को और जिन्होंने इनको प्रेरित करके लाए हैं, उन सबको बहुत धन्यवाद। ये समाज, देश, राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा है। भगवान करे आप इस सेवा में आगे बढ़ें और हमारे समाज का लाभ मिलता रहे।